देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बंदोपाध्याय की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन विक्टिम के साथ में खड़ी नहीं थी, बल्कि प्राइम एक्यूज को बचाने का प्रयास कर रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ये मानता है कि अगर कलकत्ता पुलिस इस जांच को आगे कर रही होती तो एविडेंस टैम्पर हो सकते थे। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने जो मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने कहा था कि हम संडे तक कलकत्ता पुलिस जांच करेगी और अगर वो जांच आगे नहीं बढ़ती तो हम सीबीआई को जांच दे देंगे, वो एक प्लॉय था या वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत वो जो इनिशियल गोल्डन पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें एविडेंस टैम्पर किए जा सके जिससे प्राइम एक्यूज्ड है वो बच सके। आज बंगाल की बेटी, देश की बेटी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि बंगाल की निर्भया के साथ वो खड़ी नहीं हुई है। आज बंगाल ममता बनर्जी से उनका रेजिग्नेशन मांग रहा है।